राज्यवार तरीके से अगर आपको बताएं तो बंगाल में 32% से ज्यादा मतदान हुआ, एमपी में 32.38% हुआ, तो झारखंड में ये थोड़ा कम रहा आंकड़ा, 27.40% मतदान हुआ, और यूपी में 27.12% मतदान हुआ है। तेलंगाना की बात करें तो 24% से ज्यादा यहां पर मतदान हुआ, और साथ ही अगर हम ओडिशा की बात करें तो 23.28% मतदान हुआ है। अलग अलग राज्यों से जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए ओडिशा में 23.28% मतदान हुआ है, और साथ ही हम अगर और राज्यों की बात करें, महाराष्ट्र में 17.51% मतदान हुआ है। अगर हम और राज्य की बात करें, मध्य प्रदेश 32.38% मतदान हुआ है। तो ये वो राज्य हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। झारखंड में 27.40% मतदान हुआ है, और साथ ही अगर हम बिहार की बात करें तो 22.54% मतदान हुआ है। तो अलग अलग तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम वीवीआईपी भी अपने अपने क्षेत्रों में मतदान करने के लिए पहुंचे। इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि जो तमाम दिग्गज मैदान में ताल ठोक रहे हैं, उनमें से कई बड़े चेहरों ने वोट कास्ट किया। तो अलग अलग तस्वीरें हैं, 10 अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मोहन यादव आपको नजर आ रहे हैं, साधी माधवी लता आपको नजर आ रही है, जो कि हैदराबाद से उम्मीदवार हैं, और सबसे ज्यादा उन्होंने चर्चा बटोरी क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा जो अन्य और सीटें हैं वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हैदराबाद से बीजेपी की माधवी लता ने ओवैसी पर आरोप लगाए, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव में जीत का दावा किया है। बस मैं ही कहना चाहती हूँ, मैं वोट डालकर अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझ रही हूँ, क्योंकि एक वोट एक ऐसा समाज सेवक सेवा दृक्पथ को एक इंसान में दिखा देती है, क्योंकि एक वोट डालने से दो फायदे होते हैं, एक खुद का परिवार, खुद के बच्चे आगे लेके जाने के लिए एक विकसित भारत के प्रति, और दूसरा उन सारे गरीबों के लिए, नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए, दलितों के लिए और औरतों के लिए, और वो सारे बूढ़े बुजुर्ग के लिए जिनके लिए एक सच्चा और एक अच्छा प्रशासन चाहिए, उनके प्रति भी एक ऐसा सहकार और मदद हो जाती है, एक वोट खुद के लिए भी और देश की प्रगति के लिए भी, तो इससे अच्छा समाज सेवा क्या हो सकता है। मंजू जी, क्या लगता है आपको, किला ढा देंगे आप ओवैसी का? मेरे हिसाब से वो हट गया है, आज तो सिर्फ हम एग्जाम लिख रहे हैं, क्योंकि वो लिखना ही पड़ेगा। धन्यवाद। हम ये कह रहे हैं कि मोटे को वोट दीजिए, दुबले को वोट दीजिए, हम ये कह रहे हैं कि जिसके बाल सफेद हैं उनको वोट दीजिए, इसमें बुरी बात क्या है? बीजेपी वाले इतने नाराज क्यों हो गए उस पर? नहीं, बीजेपी वाले तो क्या बोलते हैं, ट्रॉल करना शुरू कर दिए ओवैसी। अरे भाई, सब चीज है ना भाई, आप अपने लीडर को बोलते 56 इंच का, हम बोल रहे मोटा है, मोटे को कामयाब करो, हम बोल रहे हैं दुबले को कामयाब करो, जिसके बाल सफेद है उनको कामयाब करो, तो इसमें बुरी बात क्या है? पॉसिबल है 400 पार? देखिए, 400 पार का जो नारा मोदी ने दिया, भारत के दलित और जो संविधान से मोहब्बत करते हुए समझ गए कि ये 400 पार का मतलब ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान गया, आरक्षण गया, या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, आर्टिकल 29-30 गायब, तो ये मैसेज जा चुका है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है, हैदराबाद से प्रत्याशी माधवी लता का वीडियो वायरल हो रहा है, बुर्का हटवाकर वोटर आईडी चेक करती दिखी माधवी लता, ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बुर्का हटाकर वोटर आईडी चेक करवाती हुई नजर आई, तस्वीर आप देख रहे हैं, हैदराबाद की ये तस्वीर है, जहां से माधवी लता भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, और फर्जी मतदान का आरोप वो पहले से लगाती रही हैं जब से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है, और आज जो वो बकायदा वोटर आईडी चेक करती हुई नजर आई। तो लगातार तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, राहुल डबास का रुख करेंगे, हैदराबाद से हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं, लगातार सुबह से आप वहां पर मौजूद हैं राहुल, और लोग वहां पर मतदान के लिए पहुंच रहे, लेकिन अब एक तस्वीर वायरल हो रही है जब भी हमने दिखाई माधवी लता की, क्या है ये पूरा मामला जहां पर वोटर आईडी चेक करती हुई नजर आ रही है? देखिए, माधवी लता ने एक सुबह बड़ा आरोप लगाया था कि हिंदू वोटर लगभग 1.5 लाख के आसपास कट चुके हैं, और अगर बात की जाए जिन 7 सीटों में से एक एमएलए पर एक विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा है, वहां वोटिंग टर्नआउट सुबह 2.5% था, जबकि पूरे हैदराबाद में 5% था। अभी की बात करें तो हैदराबाद में
7% है, और उस सीट से सीट की बात करें, गोला महल की बात करें, तो वहां पर 10.1% है। इस वक्त की अगर बात करें तो माधवी लता ऐसे इलाके में है जो ओवैसी का गढ़ बताया जाता है। राजकिरण जी हमारे सामने संवाददाता है बात करने के लिए। राजकिरण जी, क्या कोई तनाव देखने को मिल सकता है? माधवी लता बुरके उठा रही है, उस इलाके में जा रही जो 40 साल से ओवैसी का गढ़ है, क्योंकि इससे पहले भी हैदराबाद में हमने हिंसा देखी है जब भी क्लोज एनकाउंटर होता है इलेक्शन के दिन। जी हाँ, अभी माधवी लता को देखा गया तो जहाँ पर जो इलाका आज तक कोई गई नहीं है, तो वहाँ पर माधवी लता अभी जा रही है कि हर एक पोलिंग बूथ में, मतलब जितने भी सेंसिटिव पोलिंग बूथ है, यहाँ पर तकरीबन 200 से ज़्यादा सेंसिटिव बूथ्स है, वहाँ पर जाकर उन्होंने कई सारे वोटर से फेस आइडेंटिटी दिखाने की मांग कर रही है। कई जगह बैस भी हो गया है पुलिस वालों से थोड़ा बहुत नोक झोंक हुआ है, मगर ऐसा सिचुएशन, मतलब लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन तो अभी तक नहीं है। मगर पूरी जी, एक सवाल ये उठता है कि जो वोटिंग परसेंटेज अभी भी कम है, लगभग 24% है पूरे तेलंगाना में जहां पे 17 सीटें हैं, लेकिन हैदराबाद में 10-11 के आसपास है, ये वोटिंग परसेंटेज कम होने का किस तरह का एहसास है? और जो तेलंगाना में बढ़ रहे हैं, पिछली बार 4 सांसद थे बीजेपी के, इस बार क्या टर्नआउट के लिहाज से, आंकड़ों के लिहाज से क्या कुछ समझ में आ रहा है अगर आप बारीक नजर रखें तो? जहाँ यहाँ पर हैदराबाद में जो वोटर्स की बात कही जाती है, तो हर बार इसी तरह से होता है, मतलब तकरीबन 3-4 बजे तक लगभग 30-40% की वोट यहाँ पर। चलिए राहुल, बने रहिए, हम लौटेंगे आपके पास, आगे अपडेट लेंगे। लेकिन चौथे दौर के मतदान के दौरान कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने सुबह वोट डाला और फिर अपनी स्कूटी पर लोगों को जागरूक करने के लिए वो निकल पड़ी। इस दौरान न्यूज नेशन से खास बातचीत उन्होंने की, उन्होंने सभी लोगों से वोट देने की अपील भी की, देखिए आप। मैम, ये बताइए कि आपने अपना वोट सबसे पहले डाला और इसके बाद किस तरीके से निकल करके स्कूटी से क्यों निकली हैं आप? देखिए, मैं अपना वोट डाल दिए हूँ आवाज़, क्योंकि अगर मैं गाड़ियों से जाऊंगी तो मैं वहाँ नहीं जा पाऊंगी जहाँ मुझे जाना है हर जगह, इसलिए मैं स्कूटी से कम से कम 2 घंटे में अपना इससे राउंड मारूंगी और जो जो गलियाँ उसमें जा जा करके एक जगह खड़े होकर आवाज़ दूंगी, पहले मतदान फिर जलपान, और जाइए और भारी से भारी मात्रा में अपना मतदान करिए, और जो देश के लिए काम कर रहा है उसके पक्ष में वोट करिए, सदे मोदी योगी जी के पक्ष में वोट करिए। कानपुर में किस तरीके का उत्साह देखने को मिला मतदाताओं में, और किसको मतदान कर रहे हैं लोग? बहुत बढ़िया, बहुत 400 पार के बहुत ऊपर जा रहे हैं। कानपुर में कैसा माहौल है? कानपुर में बहुत अच्छा, बहुत शांतिपूर्वक माहौल है, वोटिंग हो रही है, और कुछ लोग थोड़ा बहुत इधर उधर बदमाशी कर रहे हैं जिनकी लिस्ट में बना रही हूँ, उनको बाद में देखूंगी। वोट 100% पड़े इसका प्रयास कर रही हैं महापौर, और लगातार स्कूटी से निकल करके जनता के बीच में जा रही हैं, उनसे कह रही हैं कि वो अपने घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें, साथ ही साथ दिखा रही हैं कि उन्होंने खुद अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इसके बाद अब लोगों को जागरूक कर रही हैं। वहीं उनका कहना ये भी है कि इस बार जो लहर है वो मोदी जी के पक्ष में दिखाई पड़ रही है और 400 पार का नारा भी दे रही हैं। तो आपको बता दें कि अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, शुभम पांडे मेरे साथ खीरी से बने हुए हैं, कन्नौज से मेरे सहयोगी सैयद आमिर, और सूरज हमारे साथ खूंटी से बने हुए हैं, और साथ ही राहुल डबास हैदराबाद से। लेकिन सैयद आमिर, कन्नौज उत्तर प्रदेश की अगर हम सीट की बात करें तो सबसे चर्चित सीट है इस बार, सब कुछ सामान्य है वहां पर? देखिए, फिलहाल सब कुछ सामान्य है क्योंकि यहाँ पे हमने एसपी से भी बातचीत की, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या को समझा, लेकिन आपको बताएं कि किस तरह से वोटिंग परसेंटेज अब तक हुआ है, जो जानकारी मिल पा रही है उसके मुताबिक 30% वोटिंग लगभग हो चुकी है। दूसरा ये कि कन्नौज में पिछली बार के मुकाबले इस बार क्या वोटिंग बढ़ेगी, क्योंकि पिछली बार भी वोटिंग परसेंटेज 60% से ज़्यादा था, इसलिए अब 12 बजे के बाद से क्या स्थितियाँ बदलती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेज़ धूप अब होने लगी है। एसएसबी इंटर कॉलेज के प्रांगण में हम मौजूद हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं, इस समय कितनी लंबी कतार आपको यहां पर दिखाई दे रही है वोटर्स की, ये तो अभी छोटी कतार है, इससे पहले सुबह के वक्त लंबी कतार थी, यानी कि लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया है कन्नौज में। कन्नौज में मुद्दे अलग अलग जरूर हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर डेवलपमेंट का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर रोजगार का है, सबसे बड़ा मुद्दा यहां पर जो इत्र बनाने वाली कंपनियां हैं उनका है, उनके रोजगार का है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, ये महिलाओं की अलग लाइन लगी हुई है, पुरुषों की अलग लाइन लगी हुई है, यहां से लेकर के अगर हम पूरे कन्नौज की बात करें तो 1500 से ज्यादा यहां पर जो है वो बूथ बने हुए हैं जहां पर लोग लगातार वोटिंग कर रहे हैं, और इस बार काफी उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों के अंदर वोट करने का। मुझे ऐसा लगता है कि 60% से ज्यादा, यानी कि 61% से 62% यहां पर वोटर टर्नआउट हो सकता है, उससे भी ज्यादा निकल सकता है, लेकिन आज के समय में बिल्कुल सीट ना सिर्फ चर्चा में बल्कि यहां के मुद्दे भी चर्चा में है, और
साथ ही चर्चा में यह भी रहेगा कि यहां से लोग किसको सबसे ज्यादा वोट देकर आगे संसद पहुंचाते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं शुभम का रुख करना चाहूंगी। शुभम, आप खीरी में मौजूद हैं। यहां पर जो मुख्य लड़ाई आंकड़ों की अगर हम बात करें तो बीजेपी वर्सेस बीएसपी की है, लेकिन आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं। लोगों को क्या लग रहा है कि मुख्य मुकाबला किस में है? देखिए, मुख्यतः अगर हम बात करें इस सीट को लेकर के, तो इस वजह से सबसे ज्यादा चर्चा में लखीमपुर अगर हम कहें किन वजहों से रहा, तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेल वजह से। लगातार दो बार 2014 चुनाव वो जीतते हुए आए हैं, और इस बार एक तरफ जहां देश में 400 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, देर पहले हमारी बातचीत हो रही थी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित टेनी से, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि इस बार भी लखीमपुर पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहा है, और देश में भी जो 400 का लक्ष्य तय किया गया है वो भी भारतीय जनता पार्टी उस आंकड़े को छूने का काम करेगी। बात करें अगर वोट प्रतिशत की, तो सुबह से ही यहाँ पर आज थोड़ा मौसम में लोगों को राहत जरूर दी है। जो चलिए राहत दी, अच्छी बात है, और वोटिंग परसेंटेज भी खीरी का अच्छा है। शुभम, उम्मीद है कि शाम तक और बेहतर हो जाएगा। एक बड़ी खबर आ रही है इस बीच, आपको बता दें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के रोड शो के दौरान एक अलग तस्वीर सामने आई है। यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची ने केजरीवाल को अपना गुल्लक सौंप दिया। गुल्लक मिलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने बच्ची को गले लगाया। अब सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की ये तस्वीर, जहां पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल रोड शो कर रहे थे। उनके साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी मौजूद थे। एक छोटी बच्ची ने वहां उनको गुल्लक सौंप दिया और अरविंद केजरीवाल ने उस बच्ची को उस दौरान गले लगाए। ये तस्वीरें इस वक्त वायरल हो रही हैं। आपको बता दें कि हाल फिलहाल ही अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत से कोर्ट से छूटे हैं, और उसके बाद अब वो चुनाव प्रचार में पूरी तरीके से सक्रिय हैं, और एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। और एक रैली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ी तादाद में उनके समर्थक, उनको चाहने वाले, उन पसंद करने वाले लोग एकत्रित हुए, और छोटी सी बच्ची के साथ उनका जो वीडियो है अभी इंटरनेट पे खूब वायरल हो रहा है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। लोकतंत्र के इस पर्व में कश्मीर घाटी में वोटरों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। शोपिया के बूथ से संवाददाता फिरदौस की यह खास रिपोर्ट आप देखिए। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो तीसरा मरहला इस वक्त इलेक्शन का जोर शोर से चल रहा है। वही अगर बात करते हैं कि आज श्रीनगर सीट के इलेक्शन हो रहे हैं, और शोपियां का जो ये इलाका है यहाँ पर लोग सुबह से वोट डालने के लिए जो है वोटिंग बूथ पर सुबह से लाइनों में खड़े हैं और अपनी बारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें जो है बड़ी बड़ी दिग्गज लीडर जो है इसमें श्रीनगर सीट के लिए उतरे हैं, चाहे वो पीडीपी के वहीदुर्रहमान परा या फिर रोहुल्ला साहब या फिर अपनी पार्टी के जो लीडर है वो इस सीट के लिए अपनी किस्मत आजमाई के लिए उतरे हैं। लेकिन जो लोग देख रहे हो आप, बिल्कुल जो मर्दो जन है यहाँ पर, यानी कि मेल फीमेल जो है सुबह से ही कतारों में खड़े हैं और सुबह 7 बजे से ही अपने वोट का जो है सही इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपने वोट का हक जो है वो यहाँ पर देना चाहते हैं, अपने वो अपना वोट देना चाहते हैं। सुबह से ही ये चाहे यहाँ पर चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो जो नौजवान लड़के हो, चाहे वो बूढ़े हो, तो सभी जो है इस वक्त यहाँ पर जो है अपने वोट का जो इस्तेमाल करना चाहते हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इस बार ये जो वोट है इसका पता है ये कितना जरूरी है। ये तो वोट हमारा बहुत कीमती वोट है, इसका बहुत जरूरी है, लेकिन इसमें हमें ये फायदा मिलना चाहिए इस वोट का। महंगाई में थोड़ा फर्क पड़ना चाहिए, जो लड़के हैं बेरोजगार उनको रोजगार मिलना चाहिए। बदलाव चाहते हो? जी हाँ बिल्कुल। बेरोजगारी हटाना चाहते हो? बिल्कुल। कहीं ना कहीं हम अगर देखते हैं वादी कश्मीर की अगर हम बात करते हैं तो लोग जो है भारी तादाद में वोटिंग बूथों की तरफ आ रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। तो शोपिया से हमारे संवाददाता फिरदौस की रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन हम सीधे खूंटी का रुख करते हैं। इस वक्त संवाददाता सूरज कुमार जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सूरज, बताइए खूंटी में किस तरीके का उत्साह है लोगों के अंदर? जी देखिए, लोगों में काफी उत्साह है क्योंकि 11 बजे तक अगर खूंटी, लोहरदगा, सिंघभूम की बात करें या फिर पलामू की बात करें तो अब तक 27.40% वोटिंग हो चुकी है। और इस वक्त हम खड़े हैं खूंटी के सबसे इंटीरियर इलाके, ये इलाका है इसे कहते हैं
माहिल, ये माहिल का इलाका है और माहिल में देखिए किस तरह से महिलाओं में काफी उत्साह दिख रहा है और ये ग्रामीण क्षेत्र है और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं सुबह से ही कतारवत यहां पर खड़े हैं और अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं एक सिस्टमेटिक ढंग से। यहां पर महिलाएं भी दिख रही है, सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम है और इस खूंटी इलाके में दो दिग्गज के बीच टक्कर है, केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा और इसके अलावा कांग्रेस कोटे के जो कैंडिडेट है नीलकंठ कालीचरण मुंडा। हालांकि देखिए कुछ लोग हैं, कुछ यंगर से उनसे बात करेंगे। आपका मुद्दा क्या है, किन मुद्दों को लेकर वोट कर रहे हैं, खूंटी का मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या बोलेंगे हम, देखिए कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करेंगे कि आपने वोट कर दिया? नहीं, वोट नहीं किया है। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रहे हैं? वोट दे रहा है जो आगे की भविष्य के लिए, आगे अच्छा उज्ज्वली काम हो। अच्छा, जो अभी रुका हुआ काम है सब निकाल रहे हैं, है ना? देखिए बिल्कुल, चार लोकसभा सीट की अगर हम बात करें तो खूंटी में दो दिग्गज की बीच टक्कर है, कालीचरण मुंडा और इसके अलावा केंद्र मंत्री अर्जुन मुंडा। तो दूसरी तरफ सिंहभूम सीट की अगर बात करें तो गीता कोड़ा के साथ साथ जोबा मांझी जो कि सोरेन कैबिनेट में मंत्री है उनके साथ सीधी टक्कर है। इसके अलावा पलामू की अगर बात करें तो वी डी राम के साथ साथ राजद कोटे की ममता भुईया के बीच सीधी टक्कर है। हालांकि देखिए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सूरज बेहद दिलचस्प ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि मौजूदा सांसद अर्जुन मुंडा यहां से मैदान में हैं और भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो पिछले 10 में से 8 बार यहां पर दबदबा उन्होंने जताया। हालांकि इस बार एक फिर से जनता भरोसा करिए, देखना दिलचस्प होगा, बने रहिए। देखिए बंगाल की बात करेंगे, बंगाल के बर्धमान दुर्गापुर से टीएमसी प्रत्याशी कीर्ति आजाद का एक अलग ही अंदाज दिखाई दिया। बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और क्रिकेट उनका पुराना शौक रहा है और लेकिन जब आज इलेक्शन का वक्त है इस वक्त भी वो आपको क्रिकेट खेलते हुए बच्चों के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खुश हैं, बहुत अच्छा है, सब कर्मी लोग हैं, सब जगह पर हमारे एजेंट्स बैठे हुए हैं, हमारे जितने कर्मी लोग हैं वो लोग आगे पीछे काम कर रहे हैं और बहुत प्रसन्नता होती है क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी का, किसी भी व्यक्ति का, कैंडिडेट का, उसका लाइफलाइन कर्मी होता है।